कितना सुंदर केक है। मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह, गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला, जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था, असली कीड़े। छी, उफ, ये कितने भयानक है। मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पसंद हो या ना हो, तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी, ये चल रहे हैं, ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों? तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो केट। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ, देखने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुँह में नहीं डालना चाहती। कीड़े हिलेंगे, मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। इस केक को बिना कीड़ों को तुरंत लेना होगा। ओह, अभी भी घिनौना है। ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं, नहीं हो सकता। फिर से कीड़े, मैं इसे तंग आ चुकी हूँ। मेरे बालों में भी घुस गए हैं। ये सब कब खत्म होगा? ओह, क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमी कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है। मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है। इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है, और ये कितना स्वादिष्ट है तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। केट, तुम मेरे लिए एक चीज कर सकती हो? मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो? प्लीज प्लीज। क्या बकवास कर रही हो, इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी यार। यह क्या है हमला? मैं अपने केक को बचा सकती हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ। तुम ही बचाव करने वाली हो, मैं हमला करूँगी। ओह यह लो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हार गई, मैं केक नहीं खा पाऊंगी। मैं यह याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मिला? मुझे जाने दो। पूरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा ठीक है, तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। मैं उड़ जाऊंगी, कितनी तेज हवा है। अरे नहीं, नहीं हो सकता, ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला, स्वादिष्ट नहीं। चलो देखें कि तुम इसे कैसे संभालती हो। मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली? यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों? सब सही है, किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, यह स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे यह केक हमेशा याद रहेगा। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था? तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है? मैं अपने हाथों से खाऊंगी, इसका स्वाद बेहतर होता है। और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है। केक नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी एक खामी है, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। केवल एक गमी आंख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं और इसे अपने मुंह में पकड़ लूं? अरे नहीं, मिस कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है, मैं एक गमी चख पाई। अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं। वैसे यह काफी अच्छा निकला। देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखें कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है। इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है, मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों? एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया, आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं, लगता आग लगने वाली है। मम्मी मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है, मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट, मैं तुम पर पानी डालती हूँ। ओह कितना अच्छा, धन्यवाद।
पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं, लेकिन यह कांटेदार होगा, मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको, मेरी राय में ये गलती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहिया रुक गया है। ठीक है कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ, कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम? मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह, इतनी सारी वैरायटी, तुम मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला, मुझे ये केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है, इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो, देखो मेरे पास एक दिल है। वाह बहुत प्यारा, मुझे लगता है कि ये केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो। धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ तुम 100% सही हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट लेकिन तुम गंदी हो गई हो, तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओ मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल्स बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो, ये बबल मुझे डरा रहा है, ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे इसका अंत करना होगा, मुझे माफ करना। तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ, ये बहुत बुरा है। लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह क्या कांटेदार कैक्टस है, मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होंगी, कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनीक्योर वाले बिल्कुल सही है। मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है, जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूँ। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है, मैं पहले से ही सो रही हूँ। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे चोट पहुँचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अपने कैक्टस को ग्रेटर पर रगड़ने की जरूरत है, फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो यह लेयर कैसा है, मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया, यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता, यह बहुत बढ़िया बात है। दूंगी मैं पहले पहिया घुमाऊंगा। वाह अलग अलग तरह के आइसक्रीम, ऐसा तो लोग केवल ख्वाब ही में देख सकते हैं। केक अब तुम स्पिन करो। ओह मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे क्या मिलने वाला है? अरे नहीं, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मिर्च कितनी तीखी होती है, मैं स्वादिष्ट केक का स्वाद भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। हाँ तुम्हारा केक मिर्च के साथ अधिक खतरनाक लग रहा है, लेकिन आइसक्रीम सिर्फ केक को सजाएगी, क्योंकि यह रंगीन सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। मैं यह भी जानता हूँ कि केक को और भी सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर एक ईस्टर केक बनाए। मेरी आइसक्रीम बकेट में है। केक को और भी ऊंचा बनाना अच्छा होगा इन आइसक्रीम बॉल्स की मदद से। वाह कितना लंबा है, तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्वादिष्ट है। अब मैं एक टुकड़ा खाऊंगा और सब कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था, बहुत स्वादिष्ट। केट शायद तुम भी इसे खाना चाहो। बेशक मुझे ये चाहिए। तुम्हें चाहिए पर मिलेगा नहीं। जब तुम्हारे पास मिर्च के साथ इतना बड़ा केक है तो तुम्हें मेरे केक की जरूरत क्यों है? चलो उसे खाओ। आशा करती हूँ कि एक दो बाइट के बाद मैं यहाँ आग नहीं लगाऊंगी, मेरे लिए दुआ करना। मेरा पूरा मुंह जल रहा है, भयानक। अब मैं एक टुकड़ा भी नहीं लूंगी, यह असली यातना है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा, देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। टबास्को, मुझे तुम्हारे केक को और भी तीखा बनाना होगा।
और टवेस्को इसमें मेरी मदद करेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको, अब ये नीले से लाल हो गया है, कितना भयानक। अब यहाँ जरूर आग लगने वाली है। अगर यहाँ आग लगेगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टॉम। ओह कितना तीखा, मुझे अपना मुंह भी महसूस नहीं हो रहा है। और तुम्हारे कानों से भाप निकल रहे हैं। ओह ओह, मुझे लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी। कहाँ, और केक कौन खाएगा? लगता है इस बार हमें खुद पहिया रोकना होगा। बेहतर होगा इसे अपनी आंख बंद करके करे। और यह क्या है? मेयोनीज और अचार। मेरा सलाद बनाने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम्हें करना होगा। काश मैं लकी निकलूं और मुझे कुछ स्वादिष्ट मिले। ये सही नहीं है, इसे फिर से चलाना होगा। सब कुछ एकदम सही है, और अगर तुमने चीटिंग किया तो तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। तो मेरा चॉकलेट उपहार कहाँ है? मुझे न्यूटेला और बियोनो बहुत पसंद है, और मुझे अब तक का सबसे अधिक कैलोरी वाला केक बनाना है। मेयोनीज इतना गंदा है, जैसे कि इसमें केवल फैट हो, पर न्यूटेला तो कमाल का है। मैं इसे हर समय खा सकता हूँ। मैं केक पर मेयोनीज कैसे डाल सकती हूँ? कितना गाढ़ा है, ये एक बार फिर साबित होता है कि बहुत मोटा है। मेरे पास एक आइडिया है, न्यूटेला भी गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसे पुट्टी की तरह इस्तेमाल करूँगा। मुझे बस केक को चॉकलेट पेस्ट से भरना है। ये शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट पुट्टी है। अब केवल केक के ऊपर एक रोलर के साथ पेस्ट फैलाना रह गया है। फिर यह एकदम एक समान स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये मुझे भी खाना है। ओह, अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट है, पर यह बढ़िया है, कम से कम मैं कुछ स्वादिष्ट तो खा पाऊंगी। बेवकूफ मैनेज, अभी भी बाहर नहीं आ रहा है, अब आओ भी आखिरकार। लेकिन ये घिनौना लग रहा है। मेरे केक में कुछ गड़बड़ है, शायद ये काफी नहीं है, दोबारा जांच करने की जरूरत है। तब तक मैं ये रोलर ले लेती हूँ और इसे मैनेज को पूरे केक पर फैला दूंगी। मुझे लगता है यह काफी नहीं है, मुझे इसके ऊपरी भाग में एक और परत लगानी होगी। यह क्या है? मेयोनीज कहाँ से आया? केक, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसका काम है। तुमने मेरा केक बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे हाथ में ये जार क्यों डाला? अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे परेशान करने का परिणाम क्या होता है। प्लीज इसे बाहर निकालने में मदद करो। मेरे पास फालतू समय नहीं है, मुझे अभी भी केक पर चॉकलेट की परत लगानी है। वैसे ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। यह एकदम सही निकला, लेकिन मैं खीरे को कैसे खाऊं? ये काम तो और भी मुश्किल है, खासकर जब मेरा हाथ किसी कैन में फंसा हुआ हो। देखो मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है, यह बहुत चॉकलेटी और इतना बड़ा है। मैं भी यह खाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे कम से कम इसे चखने दोगे? और बदले में मैं तुम्हें अपना केक दूंगी। तुम्हारा केक, ये तो देखने में भी खराब लगता है। नहीं, मेरे लिए चॉकलेट काफी है। कितना स्वादिष्ट है, मुझे भी ये खाना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्वादिष्ट होगा और मैं खाकर खुश होऊंगी। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है, मेरे पास एक भयानक केक है। इस बार मुझे क्या मिलने वाला है? वाह, कॉटन कैंडी, बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। ओह, ये सिर्फ छोटे कैंडल्स हैं। कैंडल्स जिन्हें तुम्हें खाना पड़ेगा, और मैं इसे देखकर हंसूंगा। लेकिन मुझे बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने हैं। इसे केवल खाया नहीं जाता, बल्कि इसे बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। केवल मूंछ ही नहीं, एक दाढ़ी भी। और अब मैं एक पायरेट हूँ। कॉटन कैंडी बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत मजेदार। तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी कॉटन कैंडी वापस दो। मैं अभी केक सजाने जा रहा हूँ। कॉटन कैंडी का हर टुकड़ा मेरे लिए महत्व रखता है, और इस कैंडी से बहुत सुंदर आकृतियाँ भी बना सकते हैं।
बनी और यहाँ तक कि एक बत्तख भी। ये मेरे पहले से ही स्वादिष्ट और बड़े केक पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस शानदार चीज को खाने का समय आ गया है। बहुत स्वादिष्ट, जैसा मैंने सोचा था। मोमबत्तियों के साथ केक बेशक अच्छा है, लेकिन उन्हें कैसे खाऊं? इन्हें केवल जला सकते हैं और बस। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मानना होगा। तुम सही करे हो, केक कमाल का दिख रहा है। और अब मोमबत्ती को बुझा दो। हा, 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 हा। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुमने अलार्म सेट कर दिया था। अब हम सब भींग जाएंगे। मैंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता, बेवकूफ पानी। टॉम, ये सब तुम्हारी वजह से है। अच्छी बात है कि कम से कम केक को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मेरा नुकसान हुआ, हालांकि यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मेरे लिए भी इसे खाने का समय है। बेशक कैंडल खाया नहीं जा सकता, लेकिन केक लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ। कमेंट, मेरे पास एक गमी आँख है। यह सही नहीं है। ओ, लगता है कि मैंने इसे छेद कर दिया। तुम कितनी अनारी हो। मुझ पर हंसना बंद करो। यह लो, तुम्हारे साथ सही हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? ऐसा नहीं है। चलो देखता हूँ कि तुम्हें मेरा मजाक अच्छा लगता है या नहीं। ये पहले ही डरावना लग रहा है, बस अब आंख लगाना बचा है। जूलिया, क्या चल रहा है? पीटर, क्या यह सच में तुम्हारी आंख है? कितना भयानक। ओह, यह क्या? वाह, क्या यह सही हिट है? यह अटक गया है। बचाओ, मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। हमें उसे बचाना होगा। मैं तुम्हारे पीठ पर मुक्का मारता हूँ। कितना दिलचस्प शो है, बहुत अच्छा। अब आगे क्या होगा? आंख, ये कहाँ से आई? ओह, यह मजेदार था। अब यह समय है कुछ खाने का। अंदर स्वादिष्ट फीलिंग है। मैं इसे दर्जनों आके खाना पसंद करूंगी। अब मेरी बारी है। मैं यह लूंगी और यह, और यह वाला भी लूंगी। कितना स्वादिष्ट खाना है, मुझे और चाहिए। माफ करना, यह मेरी है। ओ, यह सच में स्वादिष्ट है। गमी कैंडी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। क्या तुम अब भी इसे हमारे साथ शेयर कर सकती हो? प्लीज। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ओ, यह क्या है? अरे नहीं, मेरी नई आंखें निकल रही हैं। लाल मिर्च, यह अच्छा नहीं है। तुम किस्मत वाले हो, मेरे हिस्से को देखकर मुझे डर लग रहा है। ओ, इधर को हम लोगों से ज्यादा मिला है। No. मैं सच में इसे नहीं खाना चाहती हूँ। इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा है, लगता है मैं बिना मतलब के ही डर रही थी। वाह, मुझे नहीं लगा था कि वो इसे पसंद करेगी। मैं जल रही हूँ, मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था। ये तवे की तरह गर्म है। अच्छी बात है कि मेरे पास पानी है। बस हो गया, इधर काफी है, बस। अब तो मैमा, मुझे लाल रंग पसंद है, पर ये लाल मिर्च नहीं। आशा करती हूँ कि ज्यादा तीखी ना हो। हाँ, मैं इसे संभाल लूंगी। मैं इसे जितनी जल्दी हो सके खाने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगी। बस मेरा लगभग हो गया। और मिर्च, ये कहाँ से आए? इथन, मुझे लगता है सब तुम कर रहे हो। इसे ले जाओ। चोट लग गई। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था इथन। लग रहा है कि शुरू हो गया। मैं फटने वाली हूँ। मुझे अपने कान, नाक और मुंह को ढकना होगा। इससे कुछ नहीं होगा, मेरे पास आग बुझाने वाली मशीन है। पकड़ो विवियन। धन्यवाद इथन, अब तुम्हारी बारी। अरे नहीं, मैं चाह रहा था कि ये पल कभी ना आए। भागने की कोशिश मत करो, तुम्हें यह करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो तुम लोग मुझे छोड़ोगे नहीं। मैं प्रत्येक मिर्च से थोड़ा सा काट लूंगा। ओ, ये शुरू हो रहा है। मैं कहाँ हूँ? वाह, ऐसा लग रहा है कि सीधे स्पेस में जा रहा है। मैं इसे ठीक से देखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर यह मस्त है। मैं और भी ऊपर जाना चाहता हूँ। यह अच्छी बात है कि मेरे पास एक मिर्च बची हुई है। वाह।
बेचारा, तुम्हें इतने सारे नींबू मिले हैं और मुझे सिर्फ एक। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? चुनौती की देवता को यही मंजूर है, मुझे शुरू करने दो। कितना कड़ा है, मैं काट ही नहीं पा रही हूँ। लगता है कि मुँह में पूरा नींबू डालना होगा। उफ, यह भी काम नहीं कर रहा है। उफ, क्या बकवास है। ठीक है, मैं किसी भी तरह करके ही रहूंगी। इसका रस सीधे मेरे आँख में चला गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। एथन, इन सब बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना नींबू खत्म करना है। चलो अब तुम। मैं क्यों? एमा को करने दो। मैं अपने दांत तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं चाकू ज्यादा पसंद करूंगी। वो क्या करने वाली है? बस इसे टुकड़ों में काट ले, जिसे इसे खाने में सुविधा हो। वैसे अब ये तैयार है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मुझे इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करती हूँ। ओह, कितना खट्टा है, लेकिन मुझे बर्दाश्त करना होगा। उफ, मेरा पूरा मुंह टेढ़ा हो गया है। ये जल्दी खत्म हो जाता काश। मुझे अच्छे से कोशिश करनी पड़ेगी। ओह, मेरा पूरा मस्कारा फैल गया है। बस हो गया, वो आखिरी टुकड़ा था। नैपकिन ले लो एमा। धन्यवाद, यह सही समय पर काम में आया। ले लो इधर, बस अब तुम्हारी बारी है। मुझे ये याद है, मैं अपना नींबू खाने जा रहा हूँ। और क्या, ध्यान से इधर। अब मुझे तलवार की जरूरत नहीं है, अब मैं जूसर का इस्तेमाल करूंगा। मुझे केवल जूस की जरूरत है। इसके छिलके जरूरत से ज्यादा है। अरे, सब किधर गए? उप्स, वो अजीब था। ईथन, थोड़ा ध्यान से प्लीज, तुमने हमें गिरा दिया था। सब तैयार है, अब बस इसे ग्लास में डालना बचा है। अच्छा दिख रहा है, अब इसे पीने का समय है। ओ मम्मी, कितना खट्टा है। मेरा मतलब है, ये स्वादिष्ट है। क्या सच में स्वादिष्ट है? क्या हम भी चख सकते हैं? ओके। बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह लो पियो। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। कितना खट्टा है। तुम लोग आसानी से धोखा खा गई, तुरंत मेरी चाल में आ गई, मूर्ख लड़कियों। ठीक है इधर, अब तुम यह लो। केवल एक किटकैट, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ज्यादा मिला है, मैं खुश हूँ। मेरे हिस्से के सामने तो कुछ भी नहीं है, जरा देखो। दोस्तों, मुझे शुरू करने दो। हमें जितनी जल्दी हो सके इन रैपर को हटाना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से विवियन। ओह, कितनी अच्छी सुगंध है। इसे खाओ जल्दी। चिंता मत करो, मैं इसे कुछ ही सेकंड में कर सकती हूँ। अब एमा, तुम शुरू करो। मुझे थोड़ी तैयारी करनी है। मैं पहले बिब लगाऊंगी और फिर इन पैकेट को हटाऊंगी। वाह, उसने ऐसा कैसे किया? एक कांटा और छुरी भी मुझे चाहिए होगा। चलो अब शुरू करती हूँ। उफ, मैं इसे काट ही नहीं पा रही हूँ। छोड़ो इस झंझट को, मैं अपने हाथों से खाऊंगी। और इस तरह से ये और भी आसान और तेज हो गया। मैं इसे खाने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। मुझे और चॉकलेट चाहिए। क्या तुम मेरे कैंडी बार को चुराने की कोशिश कर रहे हो? चलो इसे वापस करो। अब मेरे और मेरे चॉकलेट के बीच में कभी मत आना। आखिरकार अब मेरी बारी आ ही गई। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं अपने कैंडी बार से एक ऊंचा टावर बनाऊंगा। यह बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, ये काफी लंबा टावर है। मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा बाकी है। माफ करना इथन, हम रुक नहीं सकते। खींचो। अरे नहीं, मैं गिर रहा हूँ और मेरा टावर भी। वापस नीचे आने पर स्वागत है तुम्हारा। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हेलमेट ने मुझे बचा लिया। वाह, हम किधर है? यह क्या है? आशा है कुछ स्वादिष्ट हो। यह क्या? ये तो एक बम है, नीचे झुक जाओ, ये फट जाएगा। ओह, लगता है ये काम नहीं करता है, कुछ गड़बड़ है। ओह, ये एक मीठा बम है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वाह, रुकना नामुमकिन है, मुझे और चाहिए। और काश मैं भी वो खा पाती। नहीं, ये सब मेरा है। वाह, तुमने सब इतनी जल्दी खा लिया। बस आखिरी टुकड़ा बचा है। पहली बार मैं एक स्टॉप वॉच खा रही हूँ और ये बढ़िया है, सबको खाना चाहिए। रुको, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से, इधर क्या है?
क्या ये तो असली बॉम्ब है? ये तो असली लग रहा है। आओ, बचाओ, बचाओ। हेलो दोस्तों, मैंने सुना कि किसी को मदद की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मेरे पास एक स्पेशल टेप है, अब तुम दोनों सुरक्षित हो। और वो क्या है? पता नहीं कब फटेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर शायद जल्दी करना होगा। अरे क्या कोई जानता है कि इस बटन से क्या होता है? ओ, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। मेरा काम हो गया, बाय। वाह, इतना ऊपर। मैरी, हम बॉम्ब के साथ क्या करें? चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। यह राजू हमें चाहिए। मैरी, उससे मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, और यह मुर्गी? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, और यह? नहीं, जल्दी को हटाओ। कितनी बोरिंग हो तुम। इससे काम हो जाना चाहिए। तार को काट सकते हैं। यह बढ़िया आइडिया है। अरे कितने सारे तार हैं? मैं कौन सा वाला काटूं? शायद नीला वाला। मैरी प्लीज सही वाला चुनना। लगभग हो गया। हाँ, क्या हम बच गए? हाँ, मैंने हम दोनों को बचा लिया। अरे नहीं, अब तो समय और जल्दी खत्म हो गया। नहीं, यह क्या? वाह, मैं चॉकलेट में ढक गई। बहुत बढ़िया। हाँ मैं भी। हमें से कौन ज्यादा चॉकलेट खाएगा? मैं जीतूंगी। यह वाला और एक और। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। टाई हो गया। यह मजेदार था। चलो खोलते हैं। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। एक नया आईफोन है। वाह, मुझे भी एक मिला है। ये सबसे अच्छा तोहफा है। क्या हम दोनों के आईफोन एक जैसे हैं? पता नहीं, तब चलो देखते हैं। वाह, ये पकड़ने में कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ कितने सारे एप्स भी हैं, पर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। वाह, ये एक चॉकलेट आईफोन है। चलो इसे खाती हूँ। ये कमाल का है। अरे वाह, अगर तुम्हारे पास चॉकलेट वाला है, मतलब मेरे पास असली वाला है। बहुत बढ़िया, अब समय है कुछ सेल्फी खींचने का। हाँ, अच्छा आइडिया है। स्माइल, जाओ यहाँ से, तुम फोटो खराब कर दोगी। इस तरह बेहतर है। अच्छा फिर तुम रुको, मेरा बदला मस्त होगा। मैं कितनी सुंदर हूँ। बचाओ। अरे नहीं, मेरा आईफोन। तुम इसी के लायक हो। तुमने मुझे कितना डरा दिया। उफ, मेरा चॉकलेट आईफोन कहाँ गया? काश इसके साथ सब ठीक हो। अरे नहीं, मेरा नया आईफोन। अरे यार, अब मैं इस पर अच्छे सेल्फी नहीं ले पाऊंगी। ओह, आइडिया। मैरी, तुम्हें क्या चाहिए? चलो फोन बदल लेते हैं। वाह, हाँ चलो, मुझे अपना दो और मैं तुम्हारा लेती हूँ। चेल्सी, धन्यवाद यार। अरे नहीं, यह क्या? ये तो टूटा हुआ है। चेल्सी, तुमने मुझे धोखा दिया। और तुम मेरा चॉकलेट आईफोन भी खा रही हो। वो वापस दो। मैं ऐसे एक्सचेंज के लिए तैयार नहीं हूँ। उफ, कितना छोटा टुकड़ा बचा है। अरे चॉकलेट चार्जर। मुझे नहीं लगता इसे कोई मदद होगी, पर कोशिश करती हूँ। ओके। वाह, अब मेरा ये आईफोन कभी खत्म नहीं होगा। वाह, मेरी तो बहुत लकी निकली। चुपचाप जलन करो, कितना अच्छा है। शायद मैं भी अब अपना आईफोन ठीक कर सकती हूँ। कोशिश तो कर ही सकती हूँ। मदद करो, बचाओ। आइडिया था। तुम्हारा हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है। मैं पहले करूंगी। वाह, मेरा फेवरेट किंडर सरप्राइज। और यहाँ बहुत सारे हैं। बहुत बढ़िया, मेरे पास भी है लगभग 6 टुकड़े। क्या तुम्हारे पास भी? पर किसका असली है और किसका चॉकलेट? मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर मैं शुरू करती हूँ। मैं किस्मत वाली निकली, मुझे चॉकलेट अंडा मिला है। मुझे जल्दी से सब हटा देना चाहिए। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मिल्क चॉकलेट, बहुत स्वादिष्ट। वाह, और इसके अंदर बहुत सारे M&M कैंडीज हैं। और इससे इसका स्वाद दो गुना अच्छा हो गया। वाह, मुझे भी वो खाना है। बिल्कुल, और मेरे पास मेरा अपना किंडर सरप्राइज है। और इसकी महक कितनी मीठी है। छी, यह असली अंडा है। कितना घिनौना। तुम्हारे साथ सही हुआ, ये सही नहीं है। आशा करती हूँ कि अगला अंडा ऐसा नहीं होगा। इसे तो खाने में भी डर लग रहा है। अरे नहीं, यह भी अंडा है। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। छी, कितना खराब लग रहा है। ये सबसे खराब दौर है। मुझे यह पसंद है क्योंकि किंडर सरप्राइज दुनिया का सबसे अच्छा स्वादिष्ट ट्रीट है।
ये मीठी चॉकलेट है और इसके अंदर हमेशा एक उपहार होता है। अरे वाह, चॉकलेट बॉल्स, कितना बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं भी कम से कम एक किंडर सरप्राइज खाना चाहती हूँ। चेल्सी, मुझे भी दो ना यह खाने के लिए। नहीं, किंडर सरप्राइज वह चीज है जो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ मेरा है। चेल्सी, तुम बहुत लालची हो, मुझे कुछ करना होगा, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। शायद तब उसे समझ आ जाएगा कि उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। अब कौन सा खाऊं? बिल्कुल यह वाला। रुको, यह कैसा घटिया सा स्वाद है। तो क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तो फिर अब तुम देखो, यह लो। अरे नहीं, मेरा चेहरा, यह गंदा हो गया। तुम्हारी शरारत सफल नहीं रही। ठीक, कितना खराब। तुम्हें सारे किंडर सरप्राइज खाने होंगे। नहीं, फिर से नहीं। यह खाना जरूरी है, मतलब यह जरूरी है। वैसे मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, चलो इसे पका लेती हूँ। फिर से क्या करने वाली हो? एक अंडा लेते हैं, एक अंडा लेते हैं और एक फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं, और ऐसा हम सभी अंडे के साथ करते हैं, और इस तरह से हमें सुगंधित फ्राइड अंडा मिलता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैरी, क्या मैं खा सकती हूँ? नहीं, ये अंडे सिर्फ मेरे लिए है। खैर, कोई बात नहीं। और ये एक शानदार पाक कर्तव्य। अरे वाह, इतना ऊंचा। मेरे पास एक आइडिया है, यह लो। नहीं, उप्स। पर यह तुम्हारे साथ सही हुआ, मेरा अंडा बर्बाद हो गया। मैं अब और नहीं पकाऊंगी।